गुड मॉर्निंग एवरी वन। कॉन्टिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर, हम कर रहे थे ट्रेडिशनल फंक्शंस रिजर्व बैंक के, और फर्स्ट पॉइंट इशू ऑफ पेपर करेंसी का हम जो फंक्शन है वो कर रहे थे डिस्कस। प्रेजेंटली जो मिनिमम रिजर्व की रिक्वायरमेंट है वो है 200 करोड़ रुपीज़, और वो 200 करोड़ रुपीज़ होने किस चीज़ में चाहिए? गोल्ड में और फॉरेन सिक्योरिटीज़ में, अगर आपको नोट्स इशू करने हैं किसी भी लिमिट तक। जो गोल्ड है वो एटलीस्ट 115 करोड़ रुपीज़ वर्थ का होना चाहिए, बाकी जो अमाउंट है वो आप फॉरेन सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट। कंट्री में जो क्रेडिट का रेगुलेशन है, क्रेडिट का मतलब कि जो मनी लोगों को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ लोन कह सकते हैं आप, या मनी जो सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में वेरियस नीड्स के लिए जो लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करना। और उसको कंट्रोल जो क्रेडिट पॉलिसी होती है कमर्शियल बैंक्स की, उनको जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है। रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट को बाय कमर्शियल बैंक्स, कि कितना क्रेडिट जो है इकोनॉमी में क्रिएट करता है। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जो बैंक है वो सेवरल मेजर्स ले सकता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे बैंक रेट चेंज कर सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर सकता है, रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है कमर्शियल बैंक्स की उन्हें चेंज कर सकता है एसेट्रा। रिजर्व बैंक कंट्रोल लोन पॉलिसी, इंटरेस्ट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो कमर्शियल बैंक्स की है उसे भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दैट इज़ बैंकर्स बैंक, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक है कंट्री का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम इसीलिए बैंकर्स बैंक कहते हैं कि अगर किसी भी बैंक के पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है और उसे पैसा नहीं मिलता है, तो उसका लास्ट रिजॉर्ट का जो लेंडर है वो कमर्शियल बैंक्स के लिए वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कि अगर कमर्शियल बैंक्स को पैसे की प्रॉब्लम है और कहीं से भी वो पैसा अरेंज नहीं कर पा रहा है तो वो RBI के पास जाएगा, इसीलिए उसे लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट कह रहे हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए। और जो कमर्शियल बैंक्स को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी पैसा RBI प्रोवाइड करवाती है, और बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 जो है उसके अकॉर्डिंग जो रिजर्व बैंक है उसके पास वेरियस राइट्स हैं। वो राइट कौन कौन सी है? बैंक्स को लाइसेंस इशू करने की, रेगुलेट करने की, नंबर और ब्रांचेस कमर्शियल बैंक्स की एग्जामिन करना, उनके प्लान्स को सेंक्शंस देना मर्जर ऑफ बैंक्स के लिए, रिपोर्ट्स ऑब्टेन करना बैंक से, एग्जामिन करना उनकी क्रेडिट पॉलिसी को, एडवाइस देना, सजेशन देना। नेक्स्ट आता है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक को हम बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल बैंक और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का बैंकर ये होता है। बैंकर हम इसे किस सेंस में कह रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जो गवर्नमेंट है उसके लिए सारे बैंकिंग के फंक्शंस करता है। सारे फंक्शंस जो बैंकिंग के हैं गवर्नमेंट के, उसे हैंडल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक बैलेंस रखता, कैश बैंक का बैलेंस मेंटेन करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का अपने पास, और जो भी गवर्नमेंट एडवाइस देती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ से पेमेंट करता है। लेकिन कोई भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे इन बैलेंसेस पे रिजर्व बैंक नहीं करता है। बैंक अरेंज करता है पब्लिक लोन गवर्नमेंट के लिए, सेल करता है, परचेज करता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की को, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो रिजर्व बैंक है वो इशू करता है। बैंक लोन देता है गवर्नमेंट को, जिसे वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहा जाता है, और ये लोन गवर्नमेंट को रिटर्न करने होते हैं विद इन 90 डेज। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ मॉनेटरी सिस्टम बैंक एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कि उसे अपनी फिस्कल पॉलिसी कैसी बनानी चाहिए। जो रिजर्व बैंक है उसके पास राइट है फॉरेन जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जो बैंक फंक्शन करता है फॉर द सक्सेस ऑफ मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। RBI मैनेज करती है पब्लिक डेब्ट गवर्नमेंट का। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं वो रिजर्व बैंक करता है गवर्नमेंट के लिए, इसीलिए उसे बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि सेंट्रल बैंक है कंट्री का, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रेगुलेट करता है एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी को इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इसका मतलब ये
कि जो एक्सचेंज रेट है कंट्री का, कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक डॉलर की वैल्यू जो है वो 70 रुपीज़ है या 75 रुपीज़ है, वो डिटरमाइन तो कैसे होती है? मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होती है, लेकिन उसे कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो वो मेंटेन करने की कोशिश करता है स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट में, और इसीलिए जो रिजर्व बैंक है वो पार्टिसिपेट करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इन्फ्लुएंस करने के लिए डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की या फॉरेन करेंसी जिसे हम कहते हैं उसकी। इसके अलावा अदर फंक्शंस जो बैंक करता है वो क्या है? एक्सपोर्ट में असिस्ट करता है, रिजर्व बैंक लोन देता है एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को, और ये जो लोन्स इनडायरेक्टली भी देता है रीफाइनेंस करके लोन्स बैंकों को। जैसे सपोज कमर्शियल बैंक ने किसी ने लोन दिया एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, अब जो कमर्शियल बैंक है वो उतना ही जो पैसा है, जो लोन है, फाइनेंस है, वो ले सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। देन चेंज ऑफ करेंसी नोट, जो बैंक है क्लीन नोट पॉलिसी अडॉप्ट की है, जो भी डैमेज्ड या ख़राब नोट्स होते हैं उसे विड्रॉ वो कर लेते हैं और उसे गुड क्वालिटी क्लीन नोट्स के साथ वो चेंज करते हैं। वो फंक्शन भी आरबीआई करती है। आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है सभी बैंकों को कि जो पुरानी प्रैक्टिसेस थी कि नोट्स को आप स्टैपल कर देते थे या नोट्स को आगे ऊपर आप कुछ लिख देते थे, उसे ख़त्म करके क्लीन नोट्स वो पब्लिक को प्रोवाइड करवाएं। नेक्स्ट इज योर स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ करेंसी। फेक करेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आरबीआई है, जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं नोट्स में, करेंसी में, उसको इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट इज योर पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। जो रिजर्व बैंक है वो पब्लिश करता है डाटा वेरियस पैरामीटर्स पर, जैसे करेंसी कितनी है सर्कुलेशन में, क्रेडिट, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल आउटपुट से रिलेटेड वो जो डाटा है वो पब्लिश करता है। आरबीआई का बुलेटिन आता है, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया सेक्टर, जैसी जो पब्लिकेशन है आरबीआई निकालता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दैट इज ट्रेनिंग इन बैंकिंग। जो रिजर्व बैंक है उसने वेरियस ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं, सेटअप किए गए हैं टैलेंटेड बैंकर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग पुणे, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स एक्सेट्रा। देन आता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड क्लियरिंग सिस्टम। जो आरबीआई है वो फंक्शन करता है एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर सेटलिंग इंटर बैंक ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बैंक दूसरे बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहा है पैसे का, तो उसको वो क्लियरिंग हाउस उसके लिए कौन एक्ट करेगा? आरबीआई एक्ट करेगी। तो जो भी उनकी ट्रांजैक्शन हो रही है उसे हैंडल कौन करता है? आरबीआई करती है। तो जो आरबीआई अडॉप्ट करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंड ट्रांसफर के लिए, क्लियरिंग सिस्टम के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, जिसके थ्रू अगर आपको मल्टीपल नंबर ऑफ अकाउंट्स में पैसा सेंड करना है किसी एक अकाउंट से, या मल्टीपल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट से आपको डिपॉजिट करना है पैसा एक अकाउंट में, तो उसके लिए आप ECS यूज़ करते हैं। फंड ट्रांसफर थ्रू NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ड्रॉ सेटलमेंट सिस्टम एक्सेट्रा जैसे जो सिस्टम्स है उसे यूज़ करके आप वेरी कन्वीनियंटली जो मनी है वो ट्रांसफर कर सकते हैं इवन विद इन 24 आवर्स। देन एक कन्फर्मेशन क्रेडिट ऑफ फंड्स की बेनिफिशियरी अकाउंट में सेंड हो जाती है थ्रू SMS एंड ईमेल, अगर आप ये जो ECS, NEFT और RTGS सेक्टर जो सर्विसेज हैं आप यूज़ करते हैं। देन फाइनेंशियल एजुकेशन, RBI का स्पेशल प्रोजेक्ट है जिसका नाम फाइनेंशियल लिटरेसी है, और जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का वो है प्रोवाइड करवाना इंफॉर्मेशन जर्नल बैंकिंग कंसेप्ट्स के बारे में स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को, वुमेन को, रूरल एंड अर्बन पुअर एंड सीनियर सिटीजन्स को। और इसके लिए जो बैंक्स है वो डायरेक्ट करता है कि अवेलेबल करवाया जाए प्रिंटेड मटेरियल रिटेल कस्टमर्स को उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो RBI है वो डायरेक्ट करता है बैंक्स को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स को बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा जाए, और इसका मतलब है डिलीवरी करना बैंकिंग सर्विसेज की लो कॉस्ट पे वास्ट सेक्शंस ऑफ डिसएडवांटेज और लो इनकम ग्रुप्स के पर्सन्स को। और इसके लिए जो बैंक है वो अर्ज करता है कि नो फ्रिल अकाउंट्स खोले जाएं, या फिर निल बैलेंस अकाउंट्स खोले जाएं, या फिर बहुत मिनिमम बैलेंस के साथ जो अकाउंट्स है वो खोले जाएं। जो पर्पस है इन अकाउंट्स का वो ये कि बैंकिंग फैसिलिटी लो इनकम पर्सन्स को प्रोवाइड करवाई जाए। इसके लिए जो 2013-14 में नो फ्रिल अकाउंट
का जो नाम था उसे चेंज किया गया बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के नेम से और फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान स्वाभिमान नाम से लॉन्च किया गया फरवरी 2011 में। और इसका एम था ब्रांचलेस बैंकिंग प्रोवाइड करवाना, टेक्नोलॉजी का यूज करना करके उन एरियाज में जहाँ पे बैंकिंग कवर जिन एरियाज में बैंकिंग के जो फंक्शंस है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स, बैंक साथी के नाम से जो पर्सन्स हैं वो जाके लोगों को बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते थे। नेक्स्ट है ग्रीवियंसेस रिड्रेसल। कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया आरबीआई में 2006 में। नवंबर 2014 में ये जो डिपार्टमेंट था इसका नाम चेंज किया गया कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। और ये काम किस लिए कर सकता है, ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म ये प्रोवाइड करवाता है कस्टमर की ग्रीवियंसेस को रिड्रेस करने के लिए। जो कस्टमर्स हैं वो अपनी कंप्लेंट्स इस डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं और ये डिपार्टमेंट जो है मैनेज जो करता है वो बैंकिंग ओबिट्समैन करता है। बैंकिंग ओबिट्समैन एक रेगुलेटरी बॉडी है बैंकों के ऊपर जो ये इंश्योर करती है कि जो बैंक है बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं, कस्टमर की कंप्लेंट्स को सॉल्व करें। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है दैट इज जनरल बैंकिंग फंक्शंस क्या है जो रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक नहीं है लेकिन स्टिल सेंट्रल बैंक होते हुए ये कुछ जर्नल बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म करता है। वो क्या क्या है, पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट सिर्फ किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पोर्ट ट्रस्ट का, और उन डिपॉजिट के ऊपर वो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता। देन डीलिंग इन बिल्स, रिजर्व बैंक बाय करता है, सेल करता है, रीडिस्काउंट करता है बिल्स प्रॉमिसरी नोट और हुंडाईज को, और जो बिल्स हैं उनकी ड्यूरेशन 90 डेज से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और पेबल विद इन द कंट्री होने चाहिए। देन लेंडिंग ऑफ मनी एज अ सेंट्रल बैंक, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो लोन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, और जो लोन देता है वो 90 डेज तक के होते हैं। जो लोन्स है अगेंस्ट सिक्योरिटीज देता है, क्रेडिट नोट्स ऑफ द बैंक गोल्ड एंड सिल्वर देता है। देन डील्स इन फॉरेन सिक्योरिटी, जो बैंक है वो डील करता है हाई रेटेड फॉरेन सिक्योरिटीज में जो इनकैशेबल होती है विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। देन डील्स इन कॉस्टली मेटल, रिजर्व बैंक डील करता है इन सेल एंड परचेज ऑफ गोल्ड सिल्वर एज वेल एज कॉइन्स इन मेटल्स के। देन डील करता है विद द बैंक्स ऑफ अदर कंट्री, क्योंकि मेंबर है IMF का रिजर्व बैंक तो एस्टैब्लिश करता है बिजनेस रिलेशंस विद द बैंक्स ऑफ अदर मेंबर कंट्री। ये ओपन करता है अकाउंट इन बैंकों के साथ और एक्ट करता है एज अ एजेंट और हैंडल करता है IMF की डीलिंग्स ऑन द बिहाफ ऑफ द कंट्रीज गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ RBI, कंट्रीब्यूशन ऑफ RBI इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।